हाँ, ये पहले के लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन में है, बीच में ब्रेक हो गया था तो इसको साथ में देखना है आपको कंटिन्यू। तो कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? ये हो गया था सर, तीन कॉम्बिनेशन हो गए थे, तीन पॉसिबिलिटीज हो गई थी और चौथा देख रहे थे कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि कैश में भी आएगा कुछ पैसा, बैंक से भी आएगा और कुछ उधारी में भी रहेगा। इसका क्वेश्चन आप लोग लिखो, इसका क्वेश्चन सर ऐसा आएगा कि गुड्स सोल्ड वर्थ 80,000 टू, इसको बेचते हैं बताओ एक खाता कुछ अच्छा सा नाम, टू स्नेहा एंड कैश रिसीव्ड 30,000 एंड चेक रिसीव्ड 40,000। तो ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है बेटा जी, इसकी करनी है जर्नल एंट्री। इसमें सर तीन चार इन्वॉल्व है अकाउंट्स, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या रहती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सर सबसे पहले तो एक है सेल, सेल किया सर हमको कैश भी मिली, देखो कैश रिसीव, तो दूसरा अकाउंट है सर कैश, तीसरा सर चेक भी मिला, मतलब तीसरा अकाउंट है सर जी बैंक। तो ये तीन अकाउंट तो है ही है, चौथा भी हो सकता है देखेंगे। सर एक तो अकाउंट है सेल, दूसरा हमको मिली कैश, तीसरा हमको मिला बैंक बैलेंस, चौथा नाम आएगा या नहीं आएगा ये बेटा डिपेंड करता पूरा पैसा आ गया नहीं आया। यदि पूरा पैसा मिल गया तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले आपको बोला आपने माल बेचा पूरा पैसा आ गया बात खत्म, नाम लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने उसको बेचा पैसा नहीं आया या पैसा थोड़ा बहुत कम भी आया तो भी नाम तो लिखना पड़ेगा ना। आप 10 रुपये की चॉकलेट लेने गए थे, अब अगली बार आपने क्या करना, 10 रुपये की चॉकलेट लेना, उसको देना 5 रुपये और बोलना सर 5 रुपये मैं बाद में दूंगा, फिर भी नाम पूछेगा, है ना। तो मतलब नाम कब पूछता, या तो पूरा पेमेंट बाकी या थोड़ा भी पेमेंट यदि बाकी, मतलब कुछ भी यदि पेमेंट बाकी रहता है तो अपन उसका नाम पूछ के रखते हैं, नाम लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखने का पूरा पेमेंट हो गया क्या, यदि पूरा पेमेंट हो गया तो नाम लिखने का सवाल ही नहीं, यदि थोड़ा बहुत भी पेमेंट बाकी है तो भी नाम अपने को लिखना पड़ेगा। तो देखो कितना का सेल था सर, सेल था 80,000 का, पैसा कितना आया 30,000 कैश में आया, 40,000 बैंक में आया, मतलब 70,000 पैसा आ गया। तो 10,000 अभी भी आना बाकी है, थोड़ा बहुत भी पेमेंट बाकी है तो अपने को नाम तो लिखना पड़ेगा। तो चौथा अकाउंट क्या आएगा बेटा, उसका नाम कौन है, स्नेहा, ओके यस सर। तो ये चार अकाउंट बेटा जी इसमें इन्वॉल्व है। अब ये अपने को फटाफट पहचानने का है एक्सपेंस इनकम में क्या है, सेल क्या है। सर सेल हमारे बिजनेस के लिए होती है इनकम, कैश क्या है सर, कैश एक प्रॉपर्टी है इसलिए हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट। बैंक बैलेंस क्या है, कैश एट बैंक क्या है सर, ये भी हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी इसलिए ये भी होता है एसेट। स्नेहा क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने स्नेहा को माल बेचा, स्नेहा के पैसे मिलना बाकी है, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, फ्यूचर में स्नेहा से फायदा हो रहा है, तो ये क्या रहेगा सर, ये रहेगा डेटर, स्नेहा हमारे लिए डेटर है। डेटर्स कौन रहता, जिनको अपने उधारी में माल बेचा, ऐसे इंसान जिनको हमने उधारी में माल बेचा, याद है ना, यस सर। तो ये डेटर्स है, और डेटर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या रहते हैं बेटा जी, एसेट। क्यों, क्योंकि इनसे भविष्य में पैसा मिलेगा, फ्यूचर में कुछ तो भी मिल रहा, फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा, इसलिए ये हमारे लिए क्या रहेंगे, एसेट्स, ओके यस सर। नेक्स्ट स्टेप बेटा जी, ये बढ़ रहा है कम हो रहा, फटाफट पहचानो, सेल करने से इनकम क्या होगा बेटा जी, सेल करने से इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट कैश बढ़ेगा क्या, हमने सेल किया अपने को कैश मिला तो बिजनेस में कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश बढ़ रहा मतलब एसेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या सर, उसने चेक दिया, हमने चेक लगाया बैंक में तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगा। और तीसरा, स्नेहा बढ़ रही है कम हो रही, जब भी नाम आता तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है इसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो कैसे पहचानने का, मैंने पहले बता दिया दो बार, जब भी कोई नाम आएगा और वो बढ़ रहा है कम हो रहा है ये पहचानना है, तो उसके लिए क्या सोचने का, यदि ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो ये ट्रांजेक्शन के पहले की पोजिशन क्या थी, उसको हमसे कितना लेना देना था, कितना बैलेंस था, और ये ट्रांजेक्शन होने के बाद में क्या पोजिशन, ठीक है। तो यदि ये स्नेहा से ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो स्नेहा से कितना रुपया लेना था, 0। अब ये ट्रांजेक्शन हो चुका तो ये ट्रांजेक्शन होने के बाद कितना लेना है बेटा, 10,000, 70 तो दे दीजिए ना, ट्रांजेक्शन के बाद 10,000 लेना है, तो 0 से 10,000 हुआ स्नेहा का बैलेंस, तो 0 से 10,000 मतलब बढ़ा, तो स्नेहा क्या हुई बेटा, बढ़ गई स्नेहा, ठीक है, बढ़ी हो गई स्नेहा। नेक्स्ट बेटा जी, अब ये पहचानने का अपने को, ये डेबिट है या क्रेडिट है,
इनकम यदि बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट यदि बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो तीनों चीज़ें डेबिट और एकमात्र चीज हो रही है क्रेडिट, ठीक है। तो क्या जनरल एंट्री आएंगी, डेबिट वाले सर सब ऊपर, तो क्या आएंगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, स्नेहा अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या था, एक ही चीज थी, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या लिखना है, देखो सेल कितने का क्या सर, सेल हुआ पूरे 80,000, तो सेल के सामने बेटा कितना अमाउंट लिखूंगा, पूरे 80,000, ठीक है, यस सर। बेटा कैश कितना मिला, कैश रिसीव 30,000, तो कैश कितने से बढ़ेंगे, 30,000 से, तो कैश के सामने कितना अमाउंट लिखूंगा, 30,000। सिंपल सी बात है ना सर, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना। कैश चेक रिसीव 40,000, तो बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा, 40,000, तो बैंक के सामने कितना लिखूंगा, 40,000। अब देखो 80,000 का सेल किया था, 70,000 मिल गए, कितना मिलना बाकी है, 10,000, तो स्नेहा के सामने कितना लिखूंगा, 10,000। और डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल सेम आना चाहिए, डेबिट में भी टोटल गया 80,000, तो क्रेडिट में भी गया 80,000, तो ये उसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, यस सर। तो लिखो अब इसको अपने फेयर आंसर में, क्या होएगा, तारीख लिख देना जो भी है, क्या क्या जर्नल एंट्री हुई थी सर, जर्नल एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्नेहा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होएगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी थी, कैश में आया था 30,000, बैंक से पैसा आया था 40,000, स्नेहा से मिलना बाकी था 10,000, तो टोटल टोटल सेल्स कितना था हमारा, टोटल सेल था 80,000, ठीक है। फिर आएगा सर नरेशन, नरेशन क्या आएगा बेटा इसका, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्नेहा एंड पार्ट पेमेंट received in cash and bank, ठीक है, ये आप थोड़ा बहुत इधर उधर कैसे भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस ऊपर का ट्रांजेक्शन समझ में आना चाहिए। तो क्या हुआ है, बींग गुड सोल्ड टू स्नेहा, पार्ट पेमेंट, पूरा पेमेंट मिला कि नहीं, थोड़ा पार्ट ही पेमेंट मिले हुआ है, तो पार्ट पेमेंट मिला आपको कैश में और पार्ट पेमेंट मिला बैंक में। ठीक है, यस सर। और लास्ट में क्या करना पड़ता है हमको सर, लास्ट में करनी पड़ती है टोटल, ठीक है, यस सर, आ भी गयो, लास्ट में करेंगे सर जी हम टोटल कितनी आ रही, टोटल 30 और 20 50 और 10 60 और 80, 140,000, इधर 30 और 20 50 और 10 60 60 और 80, 140,000 टोटल हमेशा सेम आना मंगता, ठीक है, यस। चलो लिख लो बेटा आप ये भी, एग्जाम्पल नंबर 2 करके लिख लो, ये सारी पॉसिबिलिटीज लिख लो, नोट्स में है लेकिन फिर भी लिखो, लिखने का एक अलग ही मजा है। दिख रहा है क्या आपको सर, आप बीच में आ जा रहे, ठीक है, मैं गायब हो जाऊँ क्या बेटा, जान दिन थोड़ा ऊपर कर लेता, क्या गायब होना, पहले ये लिख लो आप, ऊपर के तीनों लिख लिए, यस सर। अब ये लिख लो चौथा वाला, लिख लिया, यस सर। अब ये लिख लो पूरा मेन आंसर, लिख लिया, यस सर। क्या स्पीड है आपकी, वाव। ये नीचे का डब्बा भी बना लो, बना लिया, यस सर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा बेटा परचेस की जर्नल एंट्रीज, फिर हमने देखा सेल की जर्नल एंट्री, ठीक है, यस सर।
अब सर आगे आगे बेटा हम कुछ एग्जांपल लेंगे एक्सपेंसेस के और उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, यस सर। या मैंने कॉपी कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ बेटा। अब अपने को क्या देखने का है सर, अब अपने को देखने का है थर्ड एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री खर्चे। अभी मैं एक नहीं बताते बैठूंगा, खर्चे सारे सेम है, हम सिर्फ अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अब उस एक्सपेंस चाहे सैलरी हो या वेजेस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, ट्रैवलिंग हो, कन्वेंस हो, कैरेज इनवर्ड हो, अपन ने जितने भी एक्सपेंसेस के सारे एग्जांपल देखे थे। अब सिर्फ नाम बदलेंगे जर्नल एंट्री तो वही रहेगा, रेंट के बदले इंटरेस्ट आ जाएगा, सिर्फ नाम बदलने वाले। तो सारे एक एक की जर्नल एंट्री नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ कोई भी एक रेंट या कोई भी एक एग्जांपल लेके हम उसकी सिर्फ अलग अलग पॉसिबिलिटीज अपने को देखने का है, फिर बाकी तो सिर्फ नाम ही रिप्लेस होंगे। इलेक्ट्रिसिटी की जगह रेंट आ गया तो उतना तो आपको आ ही जाएगा, है ना। यस सर, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी सर? सर पॉसिबिलिटीज तो वही रहेंगी, एक तो कैश में, एक तो बैंक में, एक तो उधारी में, या तो कुछ कैश में, कुछ बैंक में, कुछ उधारी में। देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रेंट ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा बोले हुआ है आपको रेंट पेड 10,000, इसकी अपने को करनी है जर्नल एंट्री। ओके सर, सबसे पहले तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, ध्यान से देखेंगे तो एक तो बोला सर रेंट, तो रेंट आ जाएगा सर। दूसरा पेड बोले हुआ है, दिख रहा है कि आपको पेड, पास्ट टेंस पेड, यानी पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कैश में किया या बैंक में किया सर बोला ही नहीं। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सर कैश में बोला कि बैंक में बोला, बोले हुआ ही नहीं है, सिर्फ बोला पेड, तो अपने को क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा सर? हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कैश। हम ये मान के चलेंगे कि इसने पेमेंट किया बेटा कैश में, पेमेंट कर दिया, ये तो तय है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या वर्ड बोला पेड, पास्ट टेंस में, पेमेंट कर दिया। अब कैश में किया या बैंक में किया तो अपन ने क्या मान के चलने का, यदि कुछ नहीं बोला तो क्या मानने का, कैश में पेमेंट किया होगा, कैश में, ठीक है। यस सर, तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक हो गया रेंट, एक हो गया कैश। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, एक्सपेंस या इनकम है। रेंट क्या है हमारे बिजनेस के लिए सर? रेंट हमारे बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। कैश क्या है? कैश प्रॉपर्टी है, इस वजह से हमारा कैश हो जाती है एसेट, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट स्टेप क्या, अभी बढ़ रहा है या कम हो रहा? देखो आप रेंट, रेंट आपने पे किया, जितना आप रेंट देते जाओगे हमारा एक्सपेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जो भी अपन एक्सपेंस इनकर्ड करेंगे या कोई भी ऐसे एक्सपेंस वाला आइटम इनकर्ड करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा। जैसा परचेज भी एक प्रकार का एक्सपेंस ही था, परचेज हमने किया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। वैसे हम रेंट का रेंट देते जा रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये एक्सपेंस हम करते जाएंगे, इनकर करते जाएंगे, तो हमारा जो एक्सपेंस रहेगा, टोटल एक्सपेंस रहेगा, वो एक्सपेंस बढ़ते 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 जाएगा, ठीक है। तो रेंट है यहाँ पे पेमेंट किया, हमारा एक्सपेंस बेटा बढ़ेगा। अब कैश में पेमेंट किया, अब रेंट पेड मतलब हमने कैश दिया होगा किसी को, कैश दिया तो हमारे बिजनेस में कैश का बैलेंस कम होगा, एसेट कम होगा, ठीक है। यस सर, एक्सपेंस यदि बढ़ता है तो क्या करेंगे बेटा? डेबिट। एसेट यदि कम होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बस अब इसकी जर्नल एंट्री करने की, क्या होगी जर्नल एंट्री? जो डेबिट वाला है वो ऊपर लिखने का है, रेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे वाला अपने को क्रेडिट वाला आइटम लिखने का है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी सर? इसकी जर्नल एंट्री होगी कुछ इस प्रकार, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो भी है, क्या अमाउंट? 10,000, ठीक है। यस, लिख लो इसको हमारे मेन आंसर में। सर मेन आंसर तो बनाया ही नहीं, ओके बना लेते हैं। हाँ, बना लिया हमने फटाफट फटाफट। आप बोलते ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर सर ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, वो लिख लेना है आपने। फिर लिखेंगे जर्नल, और कॉलम कौन से बनते हैं? पहला कॉलम सर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट,
ठीक है, पहले कॉपी करके रख देता, डबल से बनाने का काम नहीं बनना चाहिए। तो क्या थी हमारी जर्नल एंट्री? सर हमारी जर्नल एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेट जो भी लिखना है आपको लिख देना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या थी बेटा? 10,000 डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। सो सिंपल नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग गुड, सॉरी नरेशन क्या आएंगे बताओ? रेंट हमने पे किया तो वही आएगा, क्या लिखना है? बस बीइंग रेंट पेड। आपको एक आइडिया बताओ क्या, किसको बोलना नहीं लिखना आपने, हाँ आपके और मेरे बीच में रखना। नरेशन अगर आपको समझ नहीं रहा क्या लिखना है तो एकदम सिंपल जो क्वेश्चन है उसको ही घुमा फिरा के नरेशन लिख देने का। क्वेश्चन रहेगा एक्टिव वॉइस में तो नरेशन को लिख देना, उसको पैसिव वॉइस। क्वेश्चन रहेगा पैसिव वॉइस में तो क्वेश्चन को ही घुमा के बीइंग चालू करके एक्टिव वॉइस में लिख देने का क्वेश्चन को। सिर्फ अमाउंट ही नहीं लिखना, देखो यहाँ पे क्या था बेटा? रेंट पेड, बस वही उठा के लिख दिया बीइंग रेंट पेड। ऊपर क्या था? गुड्स सोल्ड, देखो यहाँ पे अपन लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी नहीं, वैसा का वैसा उठा के अपने को लिख देने का। जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा घुमा फिरा के अमाउंट छोड़ के लिख देने का नरेशन। नरेशन के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेने का, एकदम सिंपल लेकिन लिखना जरूर है। ओके यस सर, ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। क्या हुआ बेटा? भाड़ा था, रेंट था, रेंट हमने पे कर दिया कैश से। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता सर? चेक से पेमेंट करेंगे। रेंट पेड 20,000 थ्रू चेक, चेक से पेमेंट कर दिया है भाई जी। बताओ क्या क्या आएगा सर? एक तो रेंट, दूसरा सर चेक से पेमेंट किया तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से कौन से है सर? एक तो है रेंट, दूसरा है बैंक। रेंट क्या है सर? रेंट हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस। सर बैंक क्या है? सर बैंक हमारे लिए प्रॉपर्टी है, मतलब बैंक हमारे लिए एसेट है। अब रेंट पेमेंट किया, रेंट इनकर्ड हुआ तो रेंट हमारा एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस हमारा क्या होगा फिर? बढ़ेगा। दूसरा क्या हुआ? बैंक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस कम होगा तो एसेट हमारा कम होगा। एक्सपेंस बढ़ रहा तो क्या करेंगे सर? एक्सपेंस बढ़ रहा डेबिट करेंगे। एसेट कम हो रहा, एसेट कम हो रहा तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होंगी बेटा? जो डेबिट है उसको डेबिट में, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। ओके अब इसको लिख देंगे हमारे मेन आंसर में। क्या जर्नल एंट्री है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखो फटाफट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। ओके वेरी गुड। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक या थ्रू बैंक। ओके ओके सर आ भी गयो। नेक्स्ट थर्ड क्या हो सकता है? देखो इधर कैश से पेमेंट किया, दूसरा बैंक से पेमेंट किया, तीसरी पॉसिबिलिटी पेमेंट ही नहीं किया, लेकिन रेंट तो हो गया तो अपने को लिखना पड़ता है। मैं पहले बोला पेमेंट कर देना या कैश मिल जाना वो हमारा इनकम या एक्सपेंस नहीं है। अकाउंट्स में अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, जरूरी मैंने कैश दिया तो ही खर्चा हुआ, कैश नहीं भी दिया तो खर्चा हो जाता, मतलब खर्चा इनकर तो हो जाता, कभी ना कभी तो देना ही पड़ता है ना। तो यदि कैश अपने नहीं भी दिया तो भी खर्चा हो जाता है, ठीक है। ऐसे यदि कैश मिल जा रही तो जरूरी नहीं वो इनकम ही है, या कैश नहीं मिल रही तो जरूरी नहीं इनकम नहीं हुई। तो कैश का होना और एक्सपेंस और इनकम का होना दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कैश बाद में मिले, पहले मिले, जो भी हो, लेकिन एक्सपेंस और इनकम तो इनकर्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा रेंट आपने एक महीना इस बिल्डिंग में गुजार लिया लेकिन पेमेंट ही नहीं दिया, लेकिन एक महीना तो हो गया तो खर्चा तो हो गया बेटा, सिर्फ आपने पैसे नहीं दिए, तो पैसे बाद में देने पड़ेंगे लेकिन खर्चा तो आपका हो गया, ठीक है। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, पैसा देना ही पड़ेगा बाद में।
तो फॉर एग्जांपल ऐसा लिखे हुआ है रेंट 30,000 बट नॉट येट पेड। पहले तो इसका मतलब समझो, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है रेंट जो है बेटा 30,000 का, मतलब 30,000 का भाड़ा हमारा इनकर्ड हो चुका, हम उस बिल्डिंग में रह चुके, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब खर्चा हो गया, सिर्फ पैसा नहीं दिया लेकिन खर्चा हो गया, 30,000 का खर्चा हो गया, लेकिन उसका जो पेमेंट है नॉट येट पेड, मतलब अभी तक उसका पैसा नहीं चुकाया, उसका भुगतान नहीं किया, पैसा नहीं दिया लेकिन खर्चा तो हो गया, खर्चा तो हो गया। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व बेटा, एक तो सर रेंट तो है, खर्चा तो हो गया, तो रेंट अकाउंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैश आएगा क्या, पैसा दिया कि नहीं, बैंक से पेमेंट दिया कि नहीं, तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा बेटा, यहाँ डेटर क्रेडिटर नहीं आएगा, एक्सपेंस में डेटर या क्रेडिटर नहीं आता, अगर ये सेल और परचेज रहता था तो डेटर और क्रेडिटर आता था, डेटर क्रेडिटर केवल हम लोग सेल या परचेज से रिलेटेड ही लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे अपन सेल और परचेज से रिलेटेड ही लिखेंगे, एक्सपेंस में हम लोग उसका नाम नहीं लिखते, एक्सपेंस में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेंट इनकर तो हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया, तो फ्यूचर में तो देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा तो ये क्या रहेगा हमारी लायबिलिटी, मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट होगी कि पैसा भविष्य में देना पड़ेगा, और ये लायबिलिटी का नाम क्या रहेगा, ये लायबिलिटी का नाम रहेगा सर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट का पैसा देना बाकी है, याद है कि आपको लायबिलिटी के हेडिंग लायबिलिटी के जो नीचे बॉक्स में आपको ये दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसका पेमेंट देना बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसका पेमेंट देना बाकी है, तो फ्यूचर में पेमेंट देना पड़ता तो ये लायबिलिटी रहती। तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो रेंट खर्चा हो गया और दूसरा एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, अभी नहीं दिया तो भविष्य में देना पड़ेगा, इसलिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुई आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की। तो ये अकाउंट कौन से रेंट क्या है सर, रेंट तो हमारे लिए एक्सपेंस रहता है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब इसका पैसा देना बाकी है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ फ्यूचर में देनी पड़ती तो वो क्या रहती है हमारे बिजनेस के लिए बेटा, लायबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी लेकिन आपको ध्यान देना, ठीक है, धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होते चलेगा। तो एक्सपेंस है और लायबिलिटी, अभी अपने को पहचानना है बढ़ रही है कम हो रही, रेंट इनकर्ड होगा तो सर खर्चा तो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे रेंट होते जाएगा एक्सपेंस बढ़ेगा, और लायबिलिटी कम हुई या बढ़ी, जब भी कन्फ्यूजन हो रहा बढ़ी या कम हो रही तो क्या सोचने का, ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ये महीना नहीं होता था, तो इसके पहले की पोजिशन में रेंट कितना देना बाकी था, कुछ भी नहीं, जीरो था, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, लायबिलिटी कितनी थी, जीरो, अब इनकर्ड हो चुका तो अब कितना देना है 30,000, तो लायबिलिटी जीरो से 30,000 हो गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई, ये ट्रांजेक्शन के वजह से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब एक्सपेंस यदि बढ़ा तो क्या करेंगे, एक्सपेंस यदि बढ़ा तो सर करेंगे डेबिट, लायबिलिटी यदि बढ़ी तो क्या करेंगे बेटा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या जर्नल एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 30,000। इसको सेल और परचेस से मत जोड़ना, थोड़ा सा अलग होता है, सेल और परचेस में अपन यहाँ पे वहाँ पे अगर पेमेंट देना है मिलना बाकी तो व्यक्ति का नाम लिखते, एक्सपेंस में हम लोग वैसा नहीं करते, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, यस सर, अब लिख लो फिर मेन आंसर में क्या आएगा बेटा, सर रेंट नाम का खर्चा तो हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पेमेंट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 30,000 डेबिट का, डेबिट में क्रेडिट का, क्रेडिट में नरेशन, नरेशन सर जी लिखेंगे बीइंग रेंट इनकर्ड, मतलब इनकर्ड तो हो गया बट नॉट येट पेड, पेमेंट देना बाकी है। ठीक है, यस सर, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो कैसी जनरल एंट्री हो रही, रेंट हर तीनों में रेंट खर्चा तो हो ही जा रहा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, यदि कैश में पेमेंट दिया तो टू कैश अकाउंट, बैंक में पेमेंट दिया तो टू बैंक अकाउंट, यदि पेमेंट ही नहीं दिया देना बाकी है टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, यस सर, हाँ जी, चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा सर, चौथा कॉम्बिनेशन इसमें ये होएगा कॉम्बो, क्या कॉम्बो होएगा, रेंट इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब बेटा रेंट देना हमारा, मतलब रेंट देने की जिम्मेदारी आ गई, एक महीने का हमने दिन गुजार लिया, पैसा देना पड़ेगा, रेंट एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका,
एंड रेंट इनकर्ड की अमाउंट लिख देता हूँ। रेंट टोटल में हमारा इनकर्ड हो चुका है बेटा जी 60,000 एंड पेड थ्रू कैश 20,000 एंड पेड थ्रू चेक 30,000 इतना ही बोला हुआ है। अब देखो भैया जी इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सर एक तो रेंट रेंट रेंट, दूसरा कैश से किया तो कैश कैश कैश, तीसरा चेक से किया तो चेक चेक यानी बैंक। अब ध्यान से देखिएगा, 60,000 का भाड़ा देना था, 20 कैश में दिया, 30 चेक से दिया यानी कितना दिया 50, 60 देना था 50 दे दिया यानी अभी भी 10,000 देना बाकी है। मतलब एक और अकाउंट आएगा चौथा, कौन कौन से अकाउंट है सर? एक तो रेंट, दूसरा कैश में दिया तो कैश, चेक से दिया तो बैंक, और तीसरा अभी भी देना बाकी है, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट देना बाकी है तो उसको क्या बोलते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कौन था यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेट। तो ये चार अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा जी। कौन कौन से हेड आएंगे बताओ फटाफट। रेंट क्या है सर? रेंट बिजनेस के लिए है। एक्सपेंस कैश क्या है सर? कैश प्रॉपर्टी है, कैश है हमारे बिजनेस के लिए एसेट। बैंक क्या है सर? बैंक भी एक प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस के लिए एसेट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पेमेंट देना बाकी है, तो फ्यूचर में पेमेंट देंगे, फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए क्या रहेगा लायबिलिटी। यस सर। बढ़ रहा है कम हो रहा है ये बताओ फटाफट। रेंट इनकर्ड करने से खर्चा तो बेटा बढ़ते जाएगा, कैश में पेमेंट दिया तो कैश बैलेंस कम हो रहा तो एसेट कम हो, बैंक से पेमेंट दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा तो एसेट कम होगा। अभी लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही, देखो जब भी ये कन्फ्यूजन हो रहा लायबिलिटी बढ़ रही कम हो रही, क्या सोचने का? ये ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो कितना रेंट देना बाकी था? जीरो। अब कितना देना बाकी है? 10,000। तो जीरो से 10,000 मतलब लायबिलिटी बढ़ी। अब देखो डेबिट क्रेडिट कैसा होगा। एक्सपेंस यदि बढ़ता है तो डेबिट, एसेट यदि कम होता है तो क्रेडिट, एसेट यदि कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो क्रेडिट। तो ये तीनों क्रेडिट और एकमात्र डेबिट, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट कितना हुआ टोटल? 60,000। तो रेंट के सामने अमाउंट लिखेंगे 60,000। कैश कितने से कम हुई? कैश कितनी दी? 20,000। तो कैश के सामने अमाउंट लिखेंगे 20,000। चेक से कितना पेमेंट दिया? 30,000। तो बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ? 30,000। तो बैंक के सामने लिखेंगे 30। 60,000 का खर्चा हुआ, 20 और 30 50 दे दिए तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम आना चाहिए। समझे हो? समझ गए हो? ठीक, चलो लिख दो अपने मेन आंसर में क्या लिखेंगे, जो जर्नल एंट्री है। क्या जर्नल एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट क्या थी सर? रेंट की थी 60,000, कैश की थी 20,000, 30,000, 10,000, स्वाहा। ठीक है, यस सर। टोटल देखो डेबिट की और क्रेडिट की सेम आना चाहिए। नैरेशन क्या लिखेंगे सर? नैरेशन सर बीइंग लिख दो, फिर आगे आपकी जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी नहीं बेटा उससे रिलेटेड ही लिखना, नहीं तो लिखेंगे कुछ भी। क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड इन कैश एंड बैंक एंड पार्टली आउटस्टैंडिंग, जैसा भी आपको लिखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होया चलता है। इधर उधर मतलब वर्डिंग इधर उधर है, तो नैरेशन लिखेंगे ऊपर और एंट्री करेंगे नीचे, तो ऐसा इधर उधर नहीं चलता, वर्डिंग में इधर उधर चलता है। ओके यस सर। अब बेटा एक्सपेंस में एक और कॉम्बिनेशन आता, अभी तक तो अपने चार ही देख रहे थे, अभी इसमें पांचवा कॉम्बिनेशन और एक पॉसिबल है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है।
क्वेश्चन देखो पहले आप, क्वेश्चन ऐसा है, रेंट पेड 30,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा आपको ट्रांजेक्शन बताया हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। रेंट पेड, रेंट पेड, पेमेंट कर दिया, कैश दे दिया 30,000, लेकिन किसके लिए था? फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब बेटा जी हमने भाड़ा भर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन वो भाड़ा कहाँ से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? वो भाड़ा रिलेटेड था सर नेक्स्ट ईयर से, मतलब अगले साल का खर्चा पहले ही पेमेंट कर दिया, अगले साल के खर्चे या फ्यूचर के खर्चे, यदि उसका पेमेंट आज ही कर देते, पहले पे कर देते, तो इसको अपन क्या बोलते बेटा, प्री पेड एक्सपेंस, याद है ना। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, देख तो देखो, एक तो है पेड, जब भी पेड और रिसीव्ड वर्ड आ जाए, पेड और रिसीव्ड वर्ड आ जाए, देखो पास्ट टेंस है, पेड या रिसीव्ड, तो क्या पेड या रिसीव्ड आएगा बेटा, कैश आ जाएगा, कैश और चेक कुछ नहीं बोला सर, तो अपन कैश अज्यूम करेंगे, तो पेड है, मतलब अपन क्या पेड करेंगे भाई, अरे पेड है मतलब क्या दिया होगा, कैश ही दिया होगा ना, चेक दिया हुआ रहता था, तो बोले हुआ रहता था, तो एक अकाउंट तो सर कैश आएगा क्योंकि हमने कैश दे दिया, दूसरा अकाउंट क्या आएगा आप ये बताओ, रेंट लिखू क्या, रेंट खर्चा है क्या? देखो बेटा खर्चा आपको याद होगा, एक्सपेंस यदि आप लिखते हैं तो इसका पहले के आपको डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए, आपको भूलना नहीं है। एक्सपेंस लिख दिया मतलब बेटा जी आपने क्या बोला, प्रेजेंट से रिलेटेड है, याद है एक्सपेंस और इनकम पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड होती है, और फ्यूचर से यदि कुछ रिलेटेड है तो एसेट या लायबिलिटी होती है। यहाँ पे बेटा ये नेक्स्ट ईयर है, मतलब ये फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड चीज आज पे कर दी तो कैश तो चलो ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो मैं इसको एक्सपेंस बोल सकता क्या, रेंट बोल सकता क्या? रेंट बोल दिया तो वो तो एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस हो गया मतलब वो करंट ईयर से रिलेटेड हो गया, पास्ट से रिलेटेड हो गया, करंट पास्ट या प्रेजेंट से रिलेटेड है क्या ये? नहीं, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो सर ये एक्सपेंस तो आ ही नहीं सकता, रेंट तो आ ही नहीं सकता, ये ऐसा कुछ है जो भविष्य से रिलेटेड है, तो ऐसे खर्चे जो भविष्य से रिलेटेड है पहले पे कर दिए, इसको अपन ने स्पेशल नाम दिया था, आपको यदि याद होगा तो क्या नाम दिया था, प्रीपेड एक्सपेंस, याद है ये नाम दिया था प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब ऐसे खर्चे जो भविष्य से रिलेटेड है आज ही पेमेंट कर दिया, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब क्या है पहचानो, कैश क्या है सर? कैश तो प्रॉपर्टी है मतलब एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है सर? एक्सपेंस लिख दिया ना तो बात ही खत्म, एक्सपेंस ना बेटा ना, एक्सपेंस के आगे एक और शब्द लिखा है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब भविष्य के खर्चे का पेमेंट आज ही कर दिया, तो इस वजह से भविष्य में क्या होगा इसको सोचने का, इस वजह से भविष्य में सर फायदा होगा, क्या फायदा? ये होगा बेटा भविष्य में अगले साल में ये बिल्डिंग में रहूंगा लेकिन इसका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन से मेरे को फ्यूचर में फायदा हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस से फ्यूचर में फायदा होता, और हर वो चीज जिससे फ्यूचर में फायदा होता वो क्या रहती, एसेट। फायदा कैसे होगा आपको समझाया गया, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगले साल का भाड़ा भैया आज ही पे कर दिया तो अगले साल क्या होगा, अगले साल में बिल्डिंग में रहूंगा, भाड़ा देने की जरूरत नहीं, तो फायदा ही है ना एक प्रकार से, तो ये ट्रांजेक्शन से फ्यूचर में अपने को बेनिफिट मिलने वाला, फ्यूचर में जो भी चीज से बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं एसेट, इस वजह से प्रीपेड एक्सपेंस हुए हमारे एसेट, ठीक है। ये हमारे कौन हुए, ये हमारे एसेट हुए, तो अब देखना है अपने को बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश बढ़ेंगे कम होंगे, देखो पेड बोले हुआ, पेड मतलब कैश दी तो बिजनेस में कैश कम होंगी मतलब एसेट कम होगा, और ये एसेट क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट सर बढ़ेगा, कैसे? ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था तो प्रीपेड एक्सपेंस कितना था, प्रीपेड रेंट कितना था, प्रीपेड रेंट के नाम पे कुछ था क्या? नहीं सर, प्रीपेड रेंट का कुछ भी नहीं था, तो अभी अभी आया, पहले प्रीपेड रेंट कुछ भी नहीं था, जीरो था, अब प्रीपेड रेंट अपने ने पे किया 30,000, तो जीरो से 30,000 प्रीपेड रेंट नाम का एसेट भी हमारा बढ़ा, ठीक है। यस सर, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, क्या जर्नल एंट्री होगी, जो डेबिट है वो उसको ऊपर लिखो, डेबिट में क्या है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 30,000, देखो ध्यान से, क्या जनरल एंट्री, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा जी ये भी एसेट था, ये भी एसेट था, मतलब खर्चा हुआ नहीं, आम लोग क्या बोलेंगे, आम व्यक्ति जिसको अकाउंट की समझ नहीं हो क्या बोलेगा, 30,000 का खर्चा हो गया, 30,000 का खर्चा हो गया, हमने नहीं बोला 30,000 का खर्चा हुआ, क्यों? क्योंकि ये साल से रिलेटेड है ही नहीं, फ्यूचर से रिलेटेड है, वो फ्यूचर का खर्चा है, अपन अगले साल उसको खर्चा बोलेंगे, अगले साल क्या जनरल एंट्री होंगी मैं आपको बताऊंगा, ये अगले साल का खर्चा है बेटा, ये साल का खर्चा नहीं है, तो अपन अभी पेमेंट भले ही कर दिया, कैश दे दिया, कैश देने का मतलब ये थोड़ी ना खर्चा हो गया,
ये मैंने कैश दिया तो इसके बदले मेरा एसेट क्रिएट हो गया, क्या एसेट क्रिएट हुआ, फ्यूचर में मेरे को इससे फायदा होगा, प्रीपेड रहे, ठीक है। तो अकाउंट वाले भाषा में हम अकाउंट्स के बच्चे हम क्या बोलेंगे, बेटा इससे खर्चा नहीं बोलेंगे, इससे क्या होगा, कैश कम हुई और हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया, ये खर्चा अगले साल का रिलेटेड है, तो अगले साल में जब जाऊंगा तब उसको एक्सपेंस बोलूंगा ये 30,000 को, वो कैसे क्या वो हम देखेंगे अगले साल, अगले साल मतलब थोड़े दिन बाद, ठीक है। यस सर, तो ये फर्क होता है एक आम व्यक्ति में और हमारे में। आम व्यक्ति जैसे ही इसको देखता था 30,000 तो बोलता था 30,000 का खर्चा हो गया भैया, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 30,000 का एसेट हुआ। एसेट और खर्चे में फर्क रहता है, हमको पता है। तो कट ऑफ जर्नल एंट्री क्या थी, जर्नल एंट्री प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 ओके यस। बस बेटा इतने ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, पहले ऊपर के 3 लिख लो, पॉज करके लिख लिया, अब नीचे के 2 लिख लो पॉज करके लिख लिया, 7 में लिखना होगा, 7 में लिख लो, लिख लिया। यदि आपको ये नहीं दिखता होगा, छोटा छोटा दिखता होगा क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो अभी तो कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे तो इतनी बड़ी स्क्रीन हो जाती है, अगर इतना कुछ हो जाता है तो मोबाइल में इतना छोटा छोटा दिखता है, तो ट्राई करना, यदि जिसके पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में देखे, टीवी होगा टीवी में देखे, ठीक है। यदि दिखता होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखता होगा तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है। ये लिख लो मेन आंसर। सर 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 एक चीज़ रह गई ना, हाँ रह गई, बोलते भी नहीं आप कैसे बच्चे, चुपचाप बैठे रहते। क्या रहा बेटा टोटल, तो करो टोटल, कितना टोटल होएगा, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 60, 21, 21 और 30, 50, 1,50,000, 10,000 प्लस 20,000, 30,000, 30 प्लस 30, 60, 60 प्लस 60, 120, 120 प्लस 30, 1,50,000, दोनों साइड के टोटल सेम आना चाहिए। चलो ये लिख लो अब आप जर्नल का मेन आंसर, ओके समझा बेटा, पक्का, यस सर। केवल ये दो चीज़ों में आपको थोड़ा सा लग सकता है परेशानी, थोड़ा सा मन को ऐसा कुछ तो भी ऐसा चुभेगा, सर इतना अच्छे से क्लिक नहीं हुआ, ठीक है बेटा, ये स्टार मार्क वाली चीज़ें थोड़ी दिक्कत देंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये और क्लियर होते जाएंगे, इसके बारे में और जानकारी मिलती जाएंगी और हम लोग अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। यस सर, बाकी सब समझा अच्छे से, यस सर, ओके। अब अगला हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ज़्यादा करके मैं ओवर बर्डन नहीं करना चाहता, थोड़ा लेट हुआ तो चलता, 5 दिन के बजाय 10 दिन में हुआ तो चलता, लेकिन अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो डबल देखो, लिख के देखो, ठीक है, यस सर, ओके सर, ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे, बाकी का हम देखेंगे कल, ओके बाय बाय।